नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज एक बड़ा विमान हादसा हो गया। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 19 लोग सवार थे। बता दें कि ये प्लेन क्रैश काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरते वक्त विमान हादसे का शिकार हो गया और इसमें भीषण आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को एक निजी एयरलाइन कंपनी सौर्य एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था, तभी विमान क्रैश हो गया। यह हादसा आज सुबह करीब 11 बजे हुआ। फिलहाल राहत बचाव के कार्य के लिए टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान में आग लग गई है और धुएं का भारी गुब्बार आसमान में छा गया। बता दें कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सभी शवों की पहचान सौर्य एयरलाइंस के इंजीनियर और कर्मी के रूप में की गई है। इसकी पुष्टि काठमांडू एयरपोर्ट के प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुर ने की है। खबरों की माने तो काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाले सौर्य एयरलाइंस के विमान में कुल 19 लोग सवार थे। इसमें 2 कैप्टन, 2 क्रू मेंबर और 15 यात्री थे। इसकी पुष्टि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ नेपाल के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुलका ने की है। इस हादसे में विमान के पायलट मनीष शाक्य को बचा लिया गया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जागरूक टाइम्स के लिए प्रीतम सिंह की रिपोर्ट।